नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज़। मैं हूं कुमुद सिंह। खबर जौनपुर से है, जहां रोडवेज की एक बस ने 3 युवकों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के लखनीपुर गांव के पास वाराणसी लखनऊ हाईवे पर गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे एक रोडवेज बस ने 3 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि मृतक के घर वालों को उचित मुआवजा मिले और बस ड्राइवर को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। 3 घंटे तक चले चक्का जाम की सूचना मिलते ही SDM सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर चक्का जाम हटवाया। ग्रामीणों ने बताया कि गुड़वान और रोहित वाराणसी जाने के लिए निकले थे। दोनों युवक सड़क के किनारे वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान लखनऊ की ओर से आ रही रोडवेज बस ने पुलिया को टक्कर मारते हुए दोनों को रौंद दिया। इस हादसे में मॉर्निंग वॉक पर निकले चुरावनपुर निवासी मनोज सिंह भी घायल हो गए। 30 वर्षीय रोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल दोनों युवकों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़ा भैया, ये पकड़ा, 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 ये पकड़ा